दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ ये स्पेशली जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उन लोगों के लिए है और वुमेन कैंडिडेट के लिए स्पेशली है, क्यों दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पोस्ट निकला है ANM और स्टाफ नर्स कैटेगरी में जो कि मध्य प्रदेश में। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। पहला जो है आपका स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी है इसमें आपका 760 पोस्ट है, 760 पोस्ट है स्टाफ नर्स का। सैलरी जहाँ पे रखा गया है 20,000 और यहाँ पे 10+2 जो 12वीं कक्षा आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास GNM या फिर BSc नर्सिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है 21 से 40 साल और जो रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट होते हैं उन लोग का जो रिलेक्शन है यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है आपका जो प्रिलिमिनरी एक ठो एग्जामिनेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इसका जो बाकी जो डिटेल है आपका जो उसका नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश अगर मारेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो स्टाफ नर्स में आपका 760 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड पोस्ट निकला है ANM का, ANM में जो इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2019 पोस्ट है 2019, और यहाँ पे ANM में आपका सैलरी रखा गया 12,000 रुपया और यहाँ पे 10+2 आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपका ANM का जो सर्टिफिकेशन कोर्स आप किए होंगे, एज यहाँ पे भी सेम है 21 से 40 साल प्लस रिजर्व कैटेगरी के लिए जो रिलेक्शन है यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो दोनों पोस्ट में यहाँ पे वो वहाँ पे 760 पोस्ट है और ANM में 2019 पोस्ट है और प्रिलिमिनरी इसका एग्जामिनेशन पहले होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे डिटेल में दोस्तों इसका जो एडवर्टाइजमेंट है जॉब का जो क्या क्या प्रोफाइल है डिटेल में दे दिया है और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या फिर आपका कोई जान पहचान वुमेन कैंडिडेट हैं इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप उनको बता भी सकते हैं। तो लिंक इसका आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप एक बार अप्लाई करने से पहले चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।